ये सर पेज नंबर 86 पे है। जो मैं इसमें उसको पी जाऊंगा ये सर, इसमें एक बिड प्राइस फाइंड आउट करनी थी। अच्छा क्या तरीका था बिड प्राइस तक पहुंचने का? ये पेज नंबर 86। तो कॉस्ट में सबसे पहले क्या कैलकुलेट होना है? मटेरियल की वर्किंग करवा दो, जिन्होंने की भी है वो जरा रिवाइज कर लें, जिन्होंने नहीं की या नहीं हुई वो जरा सुन लें। कहाँ से शुरू करें? एक नजर देख लें मोटा मोटा। वन लाख 50,000 यूनिट्स का ये कॉन्ट्रैक्ट था। फिनिश वर्ड्स का नाम बीटा है, मटेरियल सी इस पर लगना है, एक यूनिट को बनाने में हाफ केजी रिक्वायर्ड है, लेकिन नीचे पॉइंट नंबर 4 रेलिवेंट है। ये सर ये टाइम गुजर गया वो। जी लिमिटेड पेज नंबर 341 क्वेश्चन करवा दीजिएगा। दोबारा कर लेते हैं, बता जाने दो गुस्सा यार, मैं कर लेता हूँ, दोबारा कर लेता हूँ। जी सर जी 1.5 लाख यूनिट्स है, हाफ के जी रिक्वायर्ड है, लॉस है, तो लॉस इनपुट क्वांटिटी का तो के जी से यूनिट्स कैसे बन सकते हैं? के जी से यूनिट बन जाते हैं। आधे केजी से यूनिट कैसे बन सकते हैं? क्या 2 केजी से भी यूनिट बन जाता है? देख लीजिएगा। तो 1.5 लाख यूनिट्स बनाने हैं, एक यूनिट को हाफ केजी लगना है, तो कितने केजी तो रिक्वायर्ड है? ऐसे ही करो सर, 75,000 केजी से 1.5 लाख यूनिट्स बन जाएंगे। सर बन जाएंगे सर, लेकिन 75,000 केजीज रिक्वायर्ड हासिल करने के लिए मैं करना क्या पड़ना? 75,000 डिवाइड बाय 96 इनटू 100, 7,815 केजीज इनपुट करने पड़ेंगे। ठीक है ठीक है, पहली वर्किंग समझ आ गई सर। अब ये जो केजीज हैं, क्या ये खरीदने हैं या ये भी बनाने हैं? बताएंगे नहीं सर, ये खरीदना कोई भी नहीं मेरा ख्याल इसमें। और सर ये पॉइंट कम से कम सवाल तो पढ़ना ही है। ये 7,815 केजीज ऑफ सी इंटरनली बन रहे हैं या खरीदने हैं? पर इनटू 0.5 ये ठीक है, प्लीज 5 करिए। हाँ सर ये सही बनाना है यार, मटेरियल इंटरनली बनता है।
हमारी लाख बनाने की कैपेसिटी है, बनाने की कैपेसिटी है, यस लेकिन करंट डिमांड मार्केट में 75,000 केजीज की है, तो 25,000 केजीज तो बनाए जा सकते हैं। कितने में से? अब 78,125 केजीज बना के इस्तेमाल होने हैं इसमें, तो जो 25,000 केजीज हैं वो किस तरह बना सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दो 200, मल्टीप्लाई 200 कर दो, बनाने की कॉस्ट दी हुई, लेकिन क्या कुछ सेटअप का खर्चा भी होता है? ये पर बैच 80,000 है, और क्या हम भी एक ही बैच बना सकते हैं? तो 25,000 × 200 से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और सेटअप कॉस्ट जो हम बैच बनाएंगे, क्या ये सेटअप कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट है? तो यहाँ देखो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करते रहिएगा, ये मुझे फिगर बताते हैं। आ गए हैं सर, तो 1 लाख सर जी कैपेसिटी है, 1 लाख की कैपेसिटी है, जिसमें से 75,000 तो मार्केट डिमांड है, हम 25,000 तो फ्रीली बना सकते हैं, और 25,000 केजीज का एक बैच है, रिमेनिंग हमें और कितने चाहिए होंगे? 53,000 1 to 5 kgs और चाहिए होंगे, इनको बाहर से खरीद लें, इसकी कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे ख्याल से, बाहर से खरीद नहीं, बाहर से खरीदने की ऑप्शन है? ये तीसरी लाइन में क्या लिखा, कुड बी सोल्ड इन द मार्केट, मटेरियल से सी जो है मार्केट में बिक जाता है, 53,000 1 to 5 53,000 1 to 5 जो है, क्या ये बना सकते हैं? बल्कि ऑलरेडी बना रहे हैं हम, ऑलरेडी कितने बना रहे हैं? तो 25,000 तो फ्रीली बन जाएंगे ना, बाकी अगर हमें 53,000 1 to 5 इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो हमें फिर उसकी डिमांड कम करनी पड़ेगी। क्या 53,000 1 to 5 जो रिमेनिंग है ये मार्केट में भी बेचे जा सकते हैं सर? yes, लेकिन अगर हम इसे इधर इस्तेमाल कर लेंगे तो मार्केट प्राइस 4 गो हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 225 क्यों ले रहा हूँ? 200 लो या 225 लो, 200 क्यों नहीं है रेलिवेंट? वो इंकर होनी है, खर्चा होना है, सेटअप कॉस्ट होगी इन 75,000 केजीज की, जिन्हें हमने मार्केट में बना के बेचना है, तो क्या उनकी तो इंकर होगी सर? क्या अगर ये हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर नहीं बनाएंगे? इसको पहले कर लें सीधा, क्या अगर प्रोविटा का प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो 25,000 केजी नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, और सेटअप कॉस्ट इंकर नहीं होगी। क्या 75,000 केजी तो बना के मार्केट में बेच ही रहे हैं? yes, sir. तो उसको तो बनाएंगे, 80,000 सेटअप कॉस्ट 3 दफा इंकर होगी, बेच सकते हैं, लेकिन अगर इधर लगाया तो खर्चा नहीं बचेगा, खर्चा नहीं बचेगा, बेच के जो कमा सकते हैं वो नहीं आएगा। अरे सवाल तो पढ़ने सर, 75,000 क्या है सर, क्या ये मार्केट में बेच सकते हैं सर? बनाएंगे तो बेचेंगे, लेकिन अगर इधर लगा लेंगे तो क्या नहीं कमा सकेंगे? जो नहीं कमा सकेंगे वो क्या है, मतलब कितना नहीं कमा सकेंगे? 25 नहीं कमा सकेंगे या 225 नहीं कमा सकेंगे? देख ले सही तरह फिगर बता, 53,000 पहले समझ आ गया, 53,000 क्या है? क्या 53,000 1 to 5 क्या है? रिमेनिंग केजीज है जो हमें रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए, बीटा को बनाने के लिए हमें चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई बाय 200 करो, नहीं इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब 200 वैसे क्या है, बनाने की कॉस्ट भी है, लेकिन मेरा ख्याल है सीधा 225 की तरफ जाना चाहिए।
ये हमें फिर कमा के मिलेगा? नहीं, मतलब अगर हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो ये 225 मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एंगल से ले रहा हूँ, 80 क्यों नहीं ले रहा, 80,000 क्यों नहीं ले रहा, 200 पर यूनिट क्यों नहीं ले रहा? इसे पैसे अगर दूसरे तरीके समझना चाहें तो 200 एक पर यूनिट है, 225 रुपए है। बट इज द कंट्रीब्यूशन बिटवीन दीज फिगर्स, कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना? सर जी 225 रुपए क्या है, 200 क्या है, कंट्रीब्यूशन पर केजी क्या है? लेकिन वो कंट्रीब्यूशन पर केजी है ना, मतलब सुने फाइनल आप बता नहीं क्या लिखते 5315 ठीक है, ये आया कैसे 7815 माइनस 25 78,015 क्या है, ये रिक्वायर्ड है। इसमें से 25,000 की सॉरी फाइनल कर, ये हमने बनाना है, ये हम बना सकते हैं तो बनाएंगे, तो सेटअप कॉस्टिंग करो क्या 75,000 ऑलरेडी डिमांड है? अगर बीटा का प्रोजेक्ट नहीं भी लेंगे तो क्या वो बनाएंगे? तो फिर भी बनाएंगे, सेटअप कॉस्ट सिंगर होगी, बनाने खर्चा होगा, लेकिन अगर इधर लगा लेंगे तो क्या नहीं कर सकेंगे, बेच नहीं सके, तो बेचने की वजह से कितने रुपयों का नुकसान, ना बेचने की वजह से कितना नुकसान हो जाएगा? ठीक है, आंसर बताइए। 1195 ये ठीक है पढ़ा हमने। तो ये जो बाकी ये जो 25,000 है इसको मैंने 225 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, मतलब इनकी डिमांड ही नहीं है, कितने हम मार्केट में बेच सकते हैं? तो ये जो एक्स्ट्रा 25,000 है ये तो हमने बनाने हैं तो इधर ही लगाने हैं, तो बनाने का खर्चा आएगा, क्या इसको बनाने से कुछ सेक्रीफाइस करेंगे हम? नहीं नहीं, इस 25,000 इसको बनाने से कुछ नहीं हो, इसको बनाने से बनाने ही कॉस्ट आएगा। क्या ये 200 रुपये पर केजी और 80,000 सेटअप कॉस्ट बचाई जा सकती है? अगर बीटा नहीं बनाएंगे तो बचाई जा सकती है, और इन अदरवाइज बीटा बनाएंगे तो फिर इन करो। ठीक है सर, ठीक है, मैंने बोला ना तुम्हारा वेलकम। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर हो गए यहाँ तक? तो मटेरियल के सर फाइनल फिगर चाहिए, टोटल बता दो, टोटल 170 170 335 125 लेवर पे आ रहे सर। लेबर से रिलेटेड पॉइंट नंबर 2 और 4 पढ़ना, पढ़ लें सर जी, अब तो पढ़ लें सर, अब तो पढ़ लें, इस वक्त तो पढ़ लें। आर्स पर यूनिट बता दो, आर्स पर यूनिट कैसे? 100 घंटे चाहिए, सॉरी 100 यूनिट्स पर 150 घंटे चाहिए, तो 1.5 आर्स पर यूनिट। रेट पर आर बता दो, रेट पर आर 45 रेट पर आर कैसे? 45 आवर्स, सॉरी 45 रुपीस पर यूनिट पर आर, तो कहीं बोल देंगे जरा क्या, 45 रुपीस पर आर 1.5 के
ठीक है सर, याद है? ठीक है, अब इसमें सर इशू ये है कि बताएंगे यूनिट्स बनाने कितने हैं। रिक्वायर्ड तो 150 है, लेकिन बनाने कितने पड़ेंगे? कितने बनाएंगे या कितने शुरू करेंगे तो कितने बनेंगे? नहीं, 150 शुरू करेंगे तो 150 कैसे बन जाएंगे? आपके इनपुट केजीज हैं 7, 8, 150,000 यूनिट्स हैं, और 150,000 यूनिट्स पे 75,000 केजीज लगेंगे। तो 75,000 केजीज से 1.5 लाख यूनिट कैसे बन जाएंगे? नहीं, यहां तक ठीक है मेरी बात? कितने केजीज हम इनपुट करेंगे? 78,125 केजीज इनपुट करेंगे, लॉस है बीच में, 75,000 केजी से 1.5 लाख यूनिट्स बनेंगे। तो असल में 78,125 केजीज लगा के आपके यूनिट स्टार्ट कितने होंगे? नहीं, मतलब ये बात असल में ये 1.5 लाख स्टार्ट होंगे। हर केजी ने, हर यूनिट ने कितने केजी लेने हैं? अब आपको यहाँ जो आर्स दिए हुए ना, आर्स पर यूनिट दिए हुए, तो असल में कैलकुलेट करना 1,78,000 केजीज, 78,125 केजीज मल्टीप्लाइड बाय 2,156,253 क्या है? ये जो 78,125 केजीज है ना, इनसे 1,56,250 यूनिट स्टार्ट होंगे। कैसे हो सकता है? नहीं, लॉस नहीं, आधे पहले आधा हजम कर लो। आधे केजी से एक यूनिट बनता है, तो हम 78,125 केजी से इनपुट कर रहे हैं, तो इनफैक्ट हम 1,56,250 यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1.5 लाख कैसे बचेंगे? बीच में से कितने केजीज लॉस होगा? पहले केजीज में करेंगे, 78,125 माइनस 75,000, इनका डिफरेंस है 3,125। क्या जाया होगा? केजीज आया, केजीज, और केजीज आया होने का मतलब इन अदर वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 5,625 के ये यूनिट्स वेस्ट होंगे। जो भी है यार, वही है जो उसने कहा है, वही होगा। 3,125 केजीज वेस्ट होंगे, और एक केजी से कितने यूनिट बनते हैं? एक केजी से 1.25 यूनिट बनता है बेटा, 2 ही बनता है। 2 कैसे बनते हैं? वो तो कहता आधा बनता है, तो एक केजी से 2 यूनिट बनता है, तो इट मींस तकरीबन 6,250 यूनिट्स पे जो खर्चा है वो आप करेंगे, लेकिन वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 4 देखें, मटेरियल का सारा खर्चा इसलिए वेस्ट हो जाएगा क्योंकि शुरू में लगता है, लेकिन ओवरहेड्स का खर्चा 60% इसलिए वेस्ट होगा क्योंकि लॉस यूनिट शायद 60% कन्वर्जन पर आइडेंटिफाई आ जाते हैं। एक क्वेश्चन जब भी आपने कभी स्टार्ट किया होगा तो मैंने आपसे अल्टर रिवाइज करने को कहा होगा, उसकी वजह ये है कि जरा निकालें पेज नंबर 8। नहीं, रिंग तो मैंने वैसे ही कह दिया होना कि चले रिवाइज हो जाए, रिंग में नहीं आया वैसे मसला। तो पॉइंट नंबर 1 देखें, पेज नंबर 8 पे पॉइंट नंबर 1 शायद, एंड इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट द, इस लाइन की वजह से मैंने आपको जरा रिवाइज करने को कहा। क्या मीनिंग है इस लाइन का? इसका मतलब जितना मटेरियल लेबर ओवरहेड लगना है किसी एक यूनिट को, वो लॉस यूनिट्स पे भी उतना उतना ही लगेगा। लेकिन क्या लॉस की इंस्पेक्शन स्टेजेस पहले भी आ सकती हैं? तो इस केस में जब मैंने ऊपर वर्किंग की है
ये मटेरियल के हवाले से अगर आप देखें तो नहीं, जितना भी केजीज थे ये सारे, मैंने इन सब का मटेरियल एज इट इज कंसिडर किए, पूरा पूरा मटेरियल मैंने कंसिडर किया। लेकिन जब लेबर की तरफ हम आएंगे तो क्या जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उन पे 100% काम होगा? जो कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे, कितने कंप्लीटेड यूनिट्स, कितने कंप्लीटेड यूनिट्स, 150,000 यूनिट्स पे तो पूरी लेबर का, पूरा लेबर का टाइम लगा होगा। लेकिन जो रिमेनिंग बचेंगे 6250 नजर आना शुरू हो गए, इन पे सिर्फ 60% काम हुआ। लेकिन पहले तो ये क्लियर करना है कि 156,000 मैंने कैसे बनाया और 150 कैसे बनाया, नहीं मतलब ये पहले क्लियर कर लेंगे। हमें 150,000 यूनिट्स चाहिए, वन यूनिट रिक्वायर्स हाफ के जी, इट मीन असूलन तो 75,000 के जी की ये गई है। लेकिन क्योंकि देयर इज अ लॉस ऑफ 4% ऑफ इनपुट, सो वी हैव टू इनपुट 78,125 के जी। इन अदर वर्ड्स हम 156,250 यूनिट्स स्टार्ट कर रहे होंगे, मतलब इन केजीज को इनपुट कर रहे होंगे, जिससे हमारे 156,250 यूनिट्स बनना शुरू होंगे। इनमें से 150,000 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे और उन पे डेफिनेटली पूरी पूरी कॉस्ट लगेगी। लेकिन जब बाकी यूनिट्स हैं उन पे 60% लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट इसलिए लगेगी क्योंकि हमें लॉस की एक स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन बताई हुई, और इंस्पेक्शन स्टेज के बाद आप फर्दर काम क्यों नहीं करेंगे क्योंकि लॉस आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप वर्किंग क्या होगी, ये जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखिएगा। जो 150,000 यूनिट्स हैं उनका मल्टीप्लाइड बाय 1.5 बताया, 1.5 आज पर यूनिट, तो ये तो पूरे होंगे। लेकिन जो 6250 यूनिट्स होंगे इंटू 1.5 कर दिया मैंने और मल्टीप्लाइड बाय 60% क्यों कर रहा हूँ, 60% तक बस इन पे काम हो। अब डेफिनेटली इस वक्त मैं अभी आज कैलकुलेट कर रहा हूँ, आज के बाद हमें कहाँ तक पहुँचना, फिर मैं रेट से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है सर, ये आंसर बताइए, ये हो गया 225,000 किसके घंटे हो गए, और इसका आंसर बताइए सर। नहीं सर जी, इंटू 60% करते 5625, तो व्हाट इज 5625, नहीं मतलब आज अभी आज ना, मतलब मीन्स से एट द एंड ऑफ द डे 2,30,000 6 to 5 hours का ये काम, तो सीधा 156,250 इनटू 1.5 क्यों नहीं कर रहा, नहीं वो बात नहीं कर रहा, 156,250 मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट अवे 1.5 क्यों नहीं कर रहा, या ये कह लेते ये 1.5 कब करता, अगर या तो क्वेश्चन भी साइलेंट होता, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता तो हमने हमेशा क्या ज़ूम किए, लॉस विल बी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, व्हिच मीन सारा खर्चा होने के बाद ही जो होना होना। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 60% बताया हुआ, तो फिर 60% तक लेबर ओवरहेड्स की गेम। ठीक है, ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर हो गए, ये 7815 इंटू 2 क्यों किए ये बता दो, आधे के जी से एक यूनिट बनना है। मेरी बात भी ठीक है, मेरी बात भी ठीक है, मैंने सोच के बोली आधे के जी से एक ही बनना है, तो एक के जी से दो बन जाए, एक के जी से दो बन जाए, देन सर जी इसमें मैं चलूँ आगे आज, ओके ये ऑनलाइन सोर्स आर सी देन आज सब आपने रुपीज बनवाना है, और रुपीज में एक आइडल टाइम का भी था, और मेरा ख्याल ये आइडल टाइम आप वाइंड अप करवा देंगे मुझे। हमें 230,625 घंटे रिक्वायर्ड, 20,000 आइडल हैं, तो 20,000 आइडल की तो फिर कॉस्ट जीरो हो गई, वो कब जीरो होती, आज अगर हम 100% पैसे दे रहे होते, अगर हम 100% दे रहे होते फिर हम कितने परसेंट दे रहे हैं, बस ठीक है 60% ही देंगे,
अब ये आइडल नहीं रहे, अब हम काम करवाएंगे, तो हमारे इस काम करवाने से रेमेनिंग 40% रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो 200 इनटू रेट पर आवर बताया आप लोगों ने 45 रेट पर आ रही है, रेट पर आ पर मल्टीप्लाइड बाय 40% कहां से पा गया, नहीं नीचे कहीं आ रहा, ये कौन सा 40% नहीं मतलब ये दो है, ये 60% तो कंप्लीशन स्टेज है। अब ये जो 40% मैंने किया ये प्लीज पॉइंट नंबर 2 में 60% द नॉर्मल रेट, तो रिमेनिंग जो 40% है वो ले रहा हूं जी, रिमेनिंग जो 40% हमें काम करवाने की वजह से देना पड़ेगा वो ले, ठीक है। लेकिन इसमें फिर प्लस क्या होगा, बाकी आज कितने रह जाएगा 230 6 to 5 माइनस 20,000 और मल्टीप्लाई 45, ये 45 एज इट इज रहेगा, सॉल्व कर दो, ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन सोर्स का 700 रहेगा प्लीज। नाइन एट थ्री एट वन टू फाइव फोर जी फाइनल नहीं करके देख लेंगे, अपनी अपनी वर्किंग देखें, हो सकता है आपने किसी और तरीके से की हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्किंग का स्टाइल मैटर नहीं करता, आपने किया क्या वो शायद मैटर करता। इस खामोशी की वजह पे नंबर बता दें, लेबर कॉस्ट बता दें, 9838 1.5 वेरिएबल ओवरहेड सोच के तरह एक ही लाइन में माइनस करो, 25 पर लेबर आर दिया हुआ है तो 230 5 जाने दे यार, इसमें आइडियल आर्स अलग होंगे, आई होप कि अभी कुछ चीजें याद हो गई होंगी, आर्स अगर आइडियल है ठीक है, काम नहीं हो रहा, वो काम ही नहीं हो रहा और देर फॉर ओवरहेड जिंकर ही नहीं हो रहा, और अगर आप काम करवाएंगे तभी पूरे ओवरहेड जिंकर हो, आई होप कि बहुत दफा रिपीट हो गया, ये आंसर देखें 5765 6 to 5 6 to 5 फिक्स ओवरहेड्स पे, फिक्स ओवरहेड्स से रिलेवेंट नहीं होता, कौन से नहीं होते कौन से होते हैं, अगर एग्जिस्टिंग हो फिर नहीं होते, लेकिन अगर कोई इंक्रीमेंटल आ जाए तो होते हैं। आज अगर ये पॉइंट पढ़ने इसमें ऐसे ही फंसे हुए, मतलब ये पॉइंट नंबर 3 ऐसे ही फंसे हुए, कुछ ध्यान रखिएगा पढ़ लो, फिक्स ओवरहेड्स पे टोटल है कितने, 22 मिलियन एस्टिमेटेड, हमारे इस ऑर्डर में कितनी स्पेस लेनी है, 30% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बीटा को कितने परसेंट बढ़ाया जा सकता है, कैन बी इंक्रीज अप टू, अब ये 50% है, 30% पहले कंफ्यूज आपने जो किया होगा तो पहले इसको सब खत्म कर लो, हम यकीनन कहां तक बढ़ा सकते हैं, 50% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत कितनी है, 30% नहीं, हमें जरूरत 30%, हम बीटा के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ाना चाहें एडिशनल, अगर हम बीटा के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहें तो 50% तक बढ़ा सकते हैं एडिशनल फिक्स कॉस्ट इंकर करके, लेकिन इस स्पेशल ऑर्डर के लिए हमें सिर्फ 30% बढ़ानी है, तो 30% इस वक्त हमसे रेलिवेंट है या 50% बढ़ाने को 50 तक जा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, 30% से हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट में गुजारा है। नेक्स्ट फिर एक गेम और है, 1.5 टाइम्स वाला इतना इशू नहीं, इस वक्त यूटिलाइज कैपेसिटी है 80%, अगर हम 80% से 100% तक जाएंगे तो क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स बढ़ेंगे, हम यकीनन इस वक्त 80% कैपेसिटी पे हैं और फिक्स ओवरहेड्स हमारे 22 मिलियन है, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है, क्या अगर हम 100% तक चले जाएं तो फिक्स कॉस्ट का सम एज इट इज रहेगा, यस सर, वो तो कदम बढ़ जाएगा, तो अगर हम ऑलरेडी 100% पे होते
तो फिर शायद हमें एक्स्ट्रा 30% बढ़ाने की जरूरत पड़नी थी। लेकिन इस केस में अगर हमें 30% कैपेसिटी चाहिए भी तो 20% तो ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें सिर्फ एक्स्ट्रा 10% बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सारी परसेंटेजेस को जरा ध्यान में रख के आराम आराम से जरा सोचना, व्हाट इज 22 मिलियन। यकीनन दिस इज 22 मिलियन बेस्ड ऑन 180% कैपेसिटी, लेकिन अब अगर हम 80 से ऊपर जाएंगे तो क्या ये 22 मिलियन बढ़ जाएगा? मतलब इसका ये कि 20% हमारे पास ऑलरेडी इजाफी कैपेसिटी है, लेकिन हमें क्योंकि 30% चाहिए तो हमें नहीं, हमें बढ़ानी 30, मतलब हमें 30% यूटिलाइज करनी है, लेकिन जो हमें 100 से एक्स्ट्रा यूटिलाइज करनी पड़ेगी उसके लिए शायद हमें एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ रही है मेरी बात? वर्किंग इशू नहीं है, मतलब ये सेंटेंस बस समझना ज़रा मसला, मसलन कैसे वर्किंग करवाऊँ? 22 मिलियन अब अमाउंट है, 100% की डिवाइड बाय क्या करूँ, एक 1% निकला है यहाँ से, मतलब 0.22 समथिंग इज 1% कैपेसिटी का खर्चा। मैं डिवाइड बाय 100 क्यों किया, ये तो 10 है, सॉरी 80 है, 100% तक फिक्स है, सेम रहेगी। हम 80% पे 80 पे काम कर रहे हैं करंट लेवल। बीटा के लिए हमें कितना चाहिए? 30% चाहिए, लेकिन क्या 20% इजाफी वैसे ही अवेलेबल है? यस सर। और अगर 20% इजाफी वैसे ही अवेलेबल है तो उसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, हमें एक्स्ट्रा बस नेक्स्ट आफ्टर 100% कैपेसिटी का जाना, तो फिर हमें एक्स्ट्रा इजाफी बस 10% बढ़ाना। 30% कैपेसिटी अचीव करने के लिए 20% इज ऑलरेडी अवेलेबल, ओनली 10% नीड्स बी फर्दर इंक्रीज, बस ये बात हो रही। देन मैंने 22 को डिवाइड बाय 100 करके क्या फाइंड आउट किया? 1%। सर क्या किया सर? वैसे तो मेरे ख्याल इसे सीधा इसलिए भी सोचा जा सकता है, 22 डिवाइड बाय 100 इनटू 10 इनटू कौन सा 10 इनटू 10 कौन सा 10 हमने बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज है, अब एक और सेंटेंस जरा देखो, इनटू 1.5 क्यों किया मैंने? जो एडिशनल कैपेसिटी बढ़ानी है आपने, उसको बढ़ाने के लिए आपको जो रेट इंकर करना है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द करंट रेट। तो जो भी करंट रेट है उसको 1.5 करके फिर रिवाइज रेट आ जाएगा उस इनहांस कैपेसिटी का, आपको इंक्रीज करनी है। ये मेरे वर्ड्स को समझ आते जा रहा है? तो ये 3.3 मिलियन बस इजाफी बनेगा, 3.3 मिलियन अगर हम रुपीज में लिखते हैं तो 33 लाख। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पढ़ना जरा आराम से, 2 मिनट लगा लो, और कन्फ्यूजन आती है मेरे बात कर लेते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर हो गए? जितना पॉसिबल है आप लोग अपने आप को अपने कॉन्सेप्टली क्लियर रखने की कोशिश इसलिए करनी है कि सोचना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिनको शायद रिवाइज करके कुछ याद कर लेना भी इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल रेलिवेंट हो जाएगा, तो कम से कम मिलती जुलती चीज़ें आ जाएँ तो कम से कम वो जहन में आ जाए, क्योंकि पिछले पेपर को देख के मुझे महसूस हुआ कि शायद आपके लेवल पे, वैसे ये मैं कहना नहीं मुझे चाहिए था, आपके लेवल पे शायद एग्जामिनर जरा हाथ हौला रखे, लेकिन वो हाथ हौला का मतलब मेरा जहन में रखिएगा कंपैरेटिवली उस हाथ से जो एक अटैम्प्ट पहले वो रखता मीन्स उसे शायद मिलते जुलते क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि एक या आध हो सकता है, तो ठीक है, लेकिन पहला स्टेप यही कॉन्सेप्टली करे रहो, बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बार बार देख लेने चाहिए जिनसे मिलता जुलता करो, नहीं हौसला भी एक लिमिटेड होना चाहिए जितना हो सकता है, अंडी हौसला भी पॉसिबल नहीं, लेकिन ये हौसला होने के लिए है जो मेरे जैसे हरगिज़ नहीं है, मतलब मेरे अलावा तो कोई ऐसा नहीं जिसने घर जाके ना पढ़ा, मेरे जैसा तो कोई ऐसा नहीं ना भजन जिसने घर जाके ना पढ़ा, यह है मैंने क्यों नहीं घर जाके पढ़ा, मैंने फीस नहीं जमा पाई। जी सर इसका टोटल कर दे, फाइंड आउट कर दे, मार्क का मार्जिन करवा दे, मैं भी कह सकूं मेरा एक सवाल हो गया।
टोटल कर दीजिएगा 3593 5 9 3 6 3 5 9 3 6 8 7 5. पॉइंट नंबर 5 मार्कअप मार्जिन डिवाइडेड बाय 80% डिवाइडेड बाय 80 इनटू 100 4 9 2 1 0 9 4. लेकिन रिक्वायरमेंट शायद कुछ और है, ये यूनिट कॉस्ट एक ध्यान में रखना है, यूनिट प्राइस पर यूनिट के लिए बढ़े, यूनिट प्राइस यूनिट कॉस्ट तो डिवाइडेड बाय यार 156250 यार रिक्वायर्ड ही है, तो 299.47 को यहीं बस छोड़ दें, जल्दी से नसीब ढूंढो, नसीब का तो पेन में बताइए, सही नंबर बताना तो मेरा काम है। वो क्वेश्चन का था कौन सी मैंने पुराने डिवाइस करने को कहा था, उनमें को 14.2 वगैरह होगा, इतना मुश्किल नहीं था यार, मैंने वैसे ही कहा था, वो मेकर बाइट ही सीन था, तो चार सिनेरियोस बने हुए थे कंपोनेंट वाइज, चार कंपोनेंट्स, चार चार सिनेरियोस बने हुए इंडिपेंडेंट सिनेरियोस 14.2 मेरा मेक बाइट ही सीन का था। बताइए पहले नंबर नसीब को 336 है, नसीब ने अपने क्या कहा गेम चलाई होंगे, नसीब का नसीब के लिए पहले मैंने आपको रिवाइज करने को कहा था कट डाउन द सीन, हाँ जी 98 एक नजर पहले पेज नंबर 98 निकल रहा, प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजंस, किसी प्रोडक्ट को कब तक बनाते रहें, एक नजर देख लें जरा सही तरह, एक नजर देख लें उधर इधर पढ़ भी लें, पेज नंबर 98 था, 98 था मेरा 98 में जरा देख लें, वो पी क्यू आर के नाम से एग्जांपल थी छोटी सी, इधर दोबारा ऑन करेंगे प्लान, प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन शुड बी ऑन द बेस ऑफ पेज नंबर 98, प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन शुड बी ऑन द बेस ऑफ, बताएं जी वर्ड्स कंप्लीट करो, शुड बी ऑन द बेस ऑफ कंट्रीब्यूशन आफ्टर, कंट्रीब्यूशन आफ्टर, फैन साहब आपको ये क्यों लगा कि क्लास 3 बजे है, मिस्टर सप्तान नहीं मैंने अभी वो तो पास ही एक्सप्लेन किया, कंप्लीट हो गया वो आपका मिस्टर सप्तान, कंप्लीट कर लिया है इसमें मसला, अगर है मसला तो कर ली जरा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, इस वक्त नसीब पे आ रहा है, आपके नसीब में सिर्फ नसीब था ठीक है यार, लाइव सुनना नसीब था, कहानी मुका दे पेज नंबर बता दे 336 ये सारी प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट इफ एनी अगर हो तो, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर प्रोडक्ट को अबेंडन करें, अदरवाइज कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग इट जब तक
उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव जा रही है। तो इसके बेस पे आ जाए मेरा ख्याल कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था। प्रोडक्ट्स के नाम बता दो, इनमें से दो प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो नेट लॉस में, लेकिन डिसीजन शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ नेट लॉस। फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा था ताकि आप लोग इसकी कंट्रीब्यूशन निकाल सके, कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट निकाल सके। तो इसका पॉइंट वाइज चल रहे, इसमें वही डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इस तरह की बात कर रहा, थोड़ी सी सुन ले मेरे से। पॉइंट वन पढ़े, ये सीरियसली पढ़ना था, हो गया या नहीं मिस बहस कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड परचेज कॉस्ट प्लस 10% एडिशनल चार्जेस विच इज एडेड इन ऑर्डर टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज। मटेरियल कॉस्ट में से 10% निकालना क्यों जरूरी है? नहीं मतलब वेरिएबल एंड फिक्स अलग अलग करना, अभी उसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा। तो कोई एक वर्किंग कैलकुलेटर पकड़ना था अपने सामने क्वेश्चन का, पेज नंबर 3336 रखता आपने। नाइन टू फोर जीरो है जी मटेरियल किसका? हमारी बहस रिंग और पैलेट्स पे क्यों है? क्योंकि रिक्वायरमेंट में भी वही है। हाँ जी बताया उसने, अपने डिसीजन लेना किसका, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द ये दो सिचुएशंस दी हुई रिक्वायरमेंट ये ना, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव ऑप्शंस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। नंबर एक हल्के पर गलती से थ्री टाइप हो गए, टू नीचे टू ऑप्शंस कौन कौन सी है? हमने ये बताना है कि क्या 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 इफेक्ट होगा रिंग और पैलेट डिस्काउंटिंग का, और फिर दूसरी चीज बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिंग की मटीरियल कॉस्ट है 9240 डिवाइडेड बाय बताएं। अब कॉस्ट प्लस टाइप चीज है, मार्कअप बना हुआ है, ये सही देखें पीस किस में क्या ऐड हुआ हुआ, व्हाट इज 100? नहीं व्हाट इज 100 सही एग्जैक्टली पढ़ देखें, परचेज कॉस्ट है यार, परचेज कॉस्ट 100 प्लस 10% के एडिशनल चार्ज बस्ती के आगे जो भी है जो फिक्स है, तो डिवाइड बाय अब 9240 में ये शामिल है 110 इनटू 100 करके मैं वेरिएबल निकालूंगा। आगे चलो, लेबर सारी वेरिएबल थी। जॉन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज पॉइंट वन से, ये साथ साथ करके बता दीजिएगा प्लीज, यस नो मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद जरा बता दीजिएगा, फर्दर फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट वन पॉइंट टू फाइनल, पॉइंट थ्री पढ़ जी। अब इसमें मसला क्या है? थर्ड पॉइंट नहीं सही मसला बताया करें, इस तरह करें मसला बताया, मसला 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 मसाइल मसाइल क्या है, मसाइल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बताएंगे कितने? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं में किस मिलियन क्या है ऐसे ही जर्नल जो है ये फिर एलोकेट हुआ है इन प्रोपोर्शन टू द लेबर कॉस्ट। पहले सेंडर से ट्रांसलेट करने पर वर्किंग भाई एक मिनट दोबारा पढ़ने से करो,
जी सेंटेंस की ट्रांसलेशन चाहिए थी आपको। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल भी हैं और जनरल भी हैं। बताएं डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कितना? नहीं वो तो 7 मिलियन तो टोटल होगा ना। अब हमने रिंग और पैलेट तक पहुंच रहे हैं। नहीं मतलब असल इशू क्या है, टोटल में पता है हमें कितने, टोटल में कितने होंगे? अगर 21 मिलियन ये है तो 28 मिलियन वो है, 7 वो। अब आ जाए, हमने सारों के बताने हैं या हमने सिर्फ पैलेट और रिंग की बात करनी? रिंग और पैलेट की बात करनी। अब रिंग और पैलेट के अपने कितने हैं? 7700 एकर। नहीं अपने पहले फाइनल कर रहे, 7700 और 7000 है। इन 7700 में और 7000 में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और जनरल दोनों हैं, तो जनरल कैसे एलोकेट हुए हैं ये उसने बताया। नहीं मतलब अगर हम ये 7700 और 7000 लिख के इसमें से जर्नल जो बीच में है वो निकाल दें तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आते हैं। उसने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कितने ये नहीं बताया, उसने जर्नल का बताया कि वो किस तरह है। मतलब ये पहले मैं कह रहा था सेंटेंस समझ लें, मींस कि डाटा है कैसे और करना क्या है। 7700 क्या है और 7000 क्या है? रिंग और पैलेट्स के टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, इनमें वो भी हैं और वो भी हैं। वो और वो का नाम बता दे। अब इनमें जर्नल किस तरह है वो हमें पता है, तो बैलेंसिंग हम फिर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल निकालें। तो जर्नल टोटल कितने हैं? 21,000। अगर पूरा देख रहे हैं आप, मिलियंस पता नहीं, थाउजेंड में डाटा 21,000 के अंदर से वर्किंग कर लेते हैं। ये अब किसकी बेस पे प्रोडक्ट्स में आए हुए हैं? लेबर कॉस्ट ढूंढनी है आपने, 10,500 डिवाइडेड बाय, ये क्या कर रहे हैं हम, लेबर की बेस पे प्रोपोर्शन बना रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाय 21,000 क्या जनरल हो, जनरल हो। तो जनरल वर्डिंग में जरूरत क्या पड़ेगी? डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल तक पहुंचने के लिए हमें जनरल के एंगल से वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये पूरे तक 4900 मिले, उसकी फिगर्स है मेरा ख्याल 9800 डिवाइड बाय 42,000। किसको बेस बना के क्या एलोकेट हुआ हुआ? लेबर को बेस बना के जर्नल फिक्स कॉस्ट एलोकेट हुई भी है, जिसको हम माइनस करके डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट तक पहुंचने की कोशिश में है। ये ठीक है बेटा, 42,000 बेटा कहाँ से आया है? 42,000 लेबर, बेटा लेबर है, लेबर की बेस पे, लेबर ऑफ रिंग एंड पैलेट की बेस पे। ठीक है, मतलब किसको बेस बना के 21 मिलियन एलोकेट किया? ये ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बने सर, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाली करवा दीजिएगा सर, बात शायद होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड फिक्स कॉस्ट ऑफ 3,150 व्हिच हैव बीन एलोकेटेड द प्रोडक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मटेरियल कॉस्ट, रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ वेरिएबल। ऐसे तो हो जाएगा, जरा करवा दें, वैसे तो हो गया, जरा ऐसे भी करवा दें, वैसे अगर हो गया तो ऐसे भी करवा दें जी। काइंडली प्लीज हिम्मत, मटेरियल बेस पर आ जाते हैं। 9,240 डिवाइड बाय 34,650 मल्टीप्लाइड बाय 3,150, थाउजेंड्स में चल रही गेम। 840 इधर से निकल जाएगा, 700 और 700 उधर से कैसे निकल जाएगा? 7700 डिवाइड बाय 3,150। ये डन है प्लीज ऑनलाइन। जी नेक्स्ट पॉइंट,
Selling and admin expenses include commission of 5% of sales revenue. The remaining amount is advertisement, which is directly attributable to the ये पढ़े अंदर इसका क्या मीनिंग है सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में 5% कमीशन जो शामिल है वेरिएबल है सर जी ये वेरिएबल है और जो बाकी है वो क्या नहीं डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल अगर फिक्स कॉस्ट भी है तो क्या वो भी रेलिवेंट है अब इसको यू कैन ब्रेक किया जा सकता है कमीशन अलग कर लें और रेमेनिंग अलग कर लें लेकिन दोनों फिगर्स रेलिवेंट है आपने आंसर देखा होगा तो हो सकता है ये अलग अलग किया ना गया हो अगर किया जाएगा तो मैक्सिमम क्या करेंगे आप कमीशन वेरिएबल में लिख लेंगे और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कहाँ लिख लेंगे कंपनी फिक्स मीन्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट में लिखेंगे दोनों चीजों ने क्या कंसिडर होना आपके डिसीजन में दोनों चीजों ने आपके डिसीजन में कंसिडर होना है इसलिए शायद सेग्रीगेशन ना भी करें तो बात बन सकती है पढ़ने दोबारा दोनों रेलिवेंट है एक क्यों रेलिवेंट है क्यों रेलिवेंट है बारह सेग्रीगेशन कर ले तो गलत नहीं कर सकते मेरा फल कमीशन कितना है 5% है सेल्स डोंट है कितनी है 45.5 मिलियन इनटू 5% अगर करेंगे तो कमीशन आ जाएगा कितना बनता है आंसर बताइए डबल टू 45.5 मिलियन लिख रहे हैं 45.5 मिलियन के सेल्स है ना रिंग की सेल इंटू 5% डबल टू 75 ऐसे अब टोटल खर्चा कितना है रिंग का 3675 तो बैलेंसिंग फिगर फिर क्या आ जाएगी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल आ जाएगी तो आंसर में कितनी ब्रेक हुई दोनों रेलिवेंट है लेकिन अगर आप ब्रेक कर लें तो गलत है अगर ब्रेक करेंगे तो कमीशन किधर लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट में और कंट्रीब्यूशन के बाद फिर लिख लेंगे डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल तो बहुत एक्सेप्टेबल दोनों रेलिवेंट सर ठीक है आपने मेरा ख्याल है कि वर्किंग की होनी चाहिए चलो आगे पॉइंट सिक्स पढ़ो एडमिन कॉस्ट फिक्स है क्या करें एडमिन कॉस्ट फिक्स है जनरल है या डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल तभी होगी अगर कोई इंफॉर्मेशन हो अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखा हो तो बी अज्यूम फिक्स्ड है नो नॉट रेलिवेंट अगर कोई आज ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है और बच सकती है अगर कोई प्रोडक्ट बनाना कम ज्यादा करेंगे ऐसा क्या करेंगे इस डिसीजन में पैकिंग कॉस्ट का क्या करेंगे वेरिएबल है कंसीडर करेंगे सर वेरिएबल है एज इट इज ले लेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर हैज शोन हिज कंसर्न दैट रिंग एंड पैलेट्स आर शोइंग लॉस एंड अफेक्टिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी अ स्टडी हैज बीन कैरिड आउट रिसेंटली हैज एनालाइज्ड एज अंडर सेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट अब ये शायद सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है आज सेकंड पॉइंट पर ये पहले मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं है कहां कहां में से इशू आया था नहीं मतलब पॉइंट वन में तो मसला अगर था तो रिजॉल्व हो गया सर चलिए सर ये कंसीडरेशन से पढ़े पॉइंट एट के बाद इस पैराग्राफ लिखा सेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट एंड कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 40% ठीक है इंक्रीज्ड अप टू 40% इंक्रीज अप टू 40% से मतलब 100 से 140 हो जाएगा बाय एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट However, each 10% increase in sale would require a 75% increase in advertisement expenditure. Then कहता है मतलब आपने एक decision ये लेना है कि दूसरी जो option है उसका क्या effect होगा profit में. To launch an advertisement campaign which will increase the sale of each product. ये भी मसला. सारी products एक products. अगर सारी प्रोडक्ट्स बढ़ेंगी 40% तो वेरिएबल कॉस्ट भी साथ साथ बढ़ेगी और सारी बढ़ेगी सर लेकिन जब फिक्स कॉस्ट होगी वो फिक्स ही रहेगी
अनलेस उसकी भी इंफॉर्मेशन हो, या फिक्स कॉस्ट वैसे चेंज हो जाती है, लेकिन कब अगर बताओ, इन्फ्लेशन से बढ़ सकती है लेकिन प्रोडक्शन से नहीं बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट के अंडरस्टूड के साथ साथ बढ़ेगी। अब इसकी एक वर्किंग थी है, ये पता नहीं आपने कहाँ तक की है, इसमें जितनी वेरिएबल कॉस्ट थी वो तो आपने देखा होगा कि 1.4 हो रही है, हो रही देख लो इसमें, फिर स्पेसिफिक बता दें कितने एडवर्टीजमेंट के अलावा बता दें, एडवर्टीजमेंट बता दें, सेलिंग एंड कमीशन, सेलिंग एंड कमीशन ठीक है, एक मिनट बाकी पढ़ना ना, बाकी अपने पॉइंट्स बताते रहे, एक एडवर्टीजमेंट हो गया, कमीशन हो गया, अच्छा बारिश हो रही है, बंद करके चला रहे ये सर जी, वेटिंग फ्रॉम योर साइड सर, कोई हेल्प कर दें जरा, कहाँ कहाँ रुकने की जरूरत है, हाथी के रुक दो, एडवर्टाइजमेंट कमीशन के अलावा ये सबसे पहले चलो मेरे साथ एक फिगर सुन लेना, सेल 140% हुई ठीक है, स्टॉक्स नहीं है तो ये भी इस तरह की चीजें ध्यान में रखें, सेल बढ़ रही है तो क्या प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, ये कैसे पता चला, नहीं ये कुछ जरूरी भी नहीं है, अगर स्टॉक पड़ा तो जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ा, अगर ओपनिंग स्टॉक पड़ाओ पहले स्टॉक बना के रखो तो वहां से भी तो बेच सकते हैं, नहीं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स ना होने की वजह से सेल अगर बढ़ी है तो प्रोडक्शन भी बढ़ रही, अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक पहले बढ़ा होता तो फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ना बढ़ती, अगर पुराना इस्तेमाल हो जाना, अगर पुराना बना हुआ, लेकिन इवन देन वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट बढ़ती, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल का बढ़ेगी, प्रोडक्शन के बढ़ने से, प्रोडक्शन के बढ़ने से और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का बढ़ेगी सेल के बढ़ने से, तो स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन होने से अगर 40% सेल बढ़ रही है तो 40% प्रोडक्शन भी बढ़ने से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी शायद इंक्रीज, तो पहले तो ये वाली बात को सेग्रीगेट रखना, क्या ना होने से क्या और क्या बढ़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन ना होने से अगर सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, अब बताते जाइएगा कराते जाए जो भी करना, ये मटेरियल हो गए डिवाइड बाय 110 क्यों हुआ, जो बीच में फिक्स ही वो रिमेन्स है ठीक है, तो लेदर लेदर वर्किंग हुई है, लेबर सारी मेरे ख्याल की वेरिएबल बताते हैं, बोलते रहे सर वेरिएबल ओवरहेड्स की मेरे ख्याल परसेंटेज सही टाइप नहीं हुई थी, 1.4 ही है नहीं 1.4 या 140 एमपी से चेक कर लो, पिछला बंद करके देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स सेम, ट्रांसपोर्टेशन फिक्स, पैकिंग, सेलिंग कमीशन जो है सर ये 5% ऑफ सेल है, तो व्हाट इज द सेल नाउ, अगर सेल बढ़ गई है तो 5% तो कांस्टेंट है लेकिन सेल्स के साथ वेरी करता है, तो रिवाइज सेल की अमाउंट है 294 मिलियन, तो 294 × 5% रिवाइज कमीशन आ जाएगा ठीक है, सेल्स बढ़ने से 5% कमीशन बढ़ेगा, परसेंटेज सेम है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट है, 5% सेल बढ़ने से क्या कमीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो ये रिवाइज सेल लिखी हुई है मतलब ठीक, नहीं अगली वर्किंग में करता हूँ।
ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਦੀ ਆ ਜਾ ਬਾਇਨ ਬਾਇਨ ਅਪ ਕਰੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ इसमें जो चीज जिससे आप कंफ्यूज हुए ना एडवर्टाइजमेंट वाले पॉइंट में डीप एडवर्टाइजमेंट के अलावा तो बड़ा कोई मसला नहीं है ऑनलाइन स्टोर से पूछो एडवर्टाइजमेंट के अलावा कोई इशू तो नहीं है किसी को ऑनलाइन स्टोर से प्लीज बता दो देखिए इसमें कंफ्यूजन सिर्फ इस वजह से क्रिएट हुई है कि ये जो 10% इंक्रीज उसने बताया हुआ ना क्या ये जो एक्स्ट्रा 40% सेल है उसके एंगल से ये पढ़ के बताना सर ये तो बता दें यार तो क्या एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उनकी कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है तो वो खत्म हो जाएगी और बस इनकी रह जाएगी तो आप ये वाली बात जरा ज़हन में रखते ना वर्किंग जरा सुना सबसे पहले तो अब ये 40% बढ़ने से 75% बढ़ जाएगी पहले हमें फिगर भी तो चाहिए ना तो अपने जरा क्वेश्चन देखा एग्जिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है 21.7 मिलियन सर जी है सर उसमें कमीशन इंक्लूड है अब कमीशन हमने इसलिए अदा कर दिया क्योंकि कमीशन की बहस हो गई है अब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रिमेनिंग रह गई 11,200 is the advertisement cost in the current situation. अब ठीक है? अब 40% है सेल्स ने बढ़ना और 10% हर 10% बढ़ने से 75% एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पड़ना कैलकुलेटर उठा नहीं वो एक मिनट 11,200 क्या है ऐसी है ना सर तो अगर हर 10% बढ़ाया जाए तो 75% इजाफा होना तो इनटू 75% करेंगे 84 अब ये क्या है मतलब ये फिगर आ रही है इसका मीनिंग क्या है 11,200 इनटू 75% क्या ये 10% बढ़ाने का इजाफी खर्चा है या 40% बढ़ाने का तो ये 10% बढ़ाने का इजाफी खर्चा है तो हमने कितने परसेंट इजाफी बढ़ाना हमने 10% चार दफा बढ़ा तो इनटू 4 क्यों हो रहा है मतलब 11,200 इनटू 75% का मतलब है 10% इंक्रीज की वजह से एडवर्टाइजमेंट का इजाफा और इनटू 4 इसलिए मैंने किया क्योंकि 40% मीन 10% को हमने चार दफा बढ़ाना तो यहां तक आंसर बताएंगे सिर्फ इसका 33,600 अब क्या है इजाफी सेल की एडवर्टाइजमेंट सारी सेल की एडवर्टाइजमेंट या इजाफी सेल की तो फिलहाल एग्जिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट कितनी है 11,200 फिर इसमें प्लस क्यों हो रहा 11,200 तो अपनी जगह है ये नहीं उसने कहा पुराना खत्म हो जाएगा उसने आपको क्या बताया कि जो एक्स्ट्रा 40% है उसमें से हर 10% इंक्रीज की वजह से 75% एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में इंक्रीज आएगा तो ये जो मैंने छोटा सा बॉक्स बनाया ये बॉक्स था इसमें सिर्फ वो आएगा जो 40% सेल इंक्रीज की का खर्चा है तो टोटल खर्चा आपका फिर प्लस 11,200 14,800 तो एक्सप्लेन हुआ तो हुआ है लेकिन अगर आप फर्दर समझते हैं कि हेल्पफुल है या कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता दूँ तो हमारे पास इस वक्त सिर्फ एग्जिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है और 75% इंक्रीज आ रहा है तो 75% इंक्रीज लेकिन मल्टीप्लाई बाय 4 टू गेट द 40% इंक्रीज 4 टाइम्स 10% 4 टाइम्स इंक्रीज है ठीक है सर अच्छा इसे इस तरह भी सोच सकते हैं कि ये 400% इंक्रीज आ रहा है 400% इजाफा हो रहा है
नहीं मतलब बता दो ना, 300% या 400%? 300% कैसे? 75% इंक्रीज होना ना, तो कितनी दफा इंक्रीज होगा? देखिए मैं कह रहा हूँ ये सिंपल वर्किंग है, मतलब मेरी इस वर्किंग का मीनिंग है, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट? 11,200, हर 10% इंक्रीज पे 75% एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होनी है। तो यहाँ तक जो मेरा आंसर बनेगा 11,200 मल्टीप्लाई बाय 75%, ये 10% इंक्रीज की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 4 दफा वो 10% इंक्रीज होगी। ये 400% कर सकते हैं? नहीं नहीं वो रहने इधर इधर आंसर दीजिए, 400% कर सकते हैं लेकिन वो आपका आंसर नहीं है। आप 300% 400% को कंफ्यूज ना करें, मैंने जहां 400% का है बहुत चीज है। जिब्राइन चला जरूर आंसर ठीक आएगा, 11,200 इंटू 75% इंटू 400% करके देखें, इंशाल्लाह ठीक आंसर है। नहीं आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं हो रही इसमें। सर आगे पीछे हुआ तो उसको भी 400% कर लो, क्या इससे क्या फर्क पड़ता? ये सवाल मेरे से कुछ और हो रहा है, अब ना जीरो से सवाल शुरू। वो बेटा क्वेश्चन यकीनन हमने क्वेश्चन बेटा नहीं चेंज करना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 75% इंक्रीज आना है, तो 75% इंक्रीज अगर आना है तो वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंक्रीज 75% आना, 4 दफा जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम 4% कर सकते हैं, ठीक है जी। नहीं आपका आपसे बात नहीं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अलग डिस्कस कर लो। जी ठीक है, प्लीज क्लियर हो गए? yes, 75% इंक्रीज क्वेश्चन में बताया हुआ, तो हम 4 टाइम्स जो इंक्रीज है वो 400% है। अगर 50% इंक्रीज लिखा होता तो मैं 75% की जगह 50% कर देता, और अगर ये जो 400% है ये इसलिए है क्योंकि 10% ने 4 दफा भरना, इंक्रीज ने 40% होना, तो 4 दफा जो ये वो वाला 400% है, 40% वाला ये जो है 10-10 वाला, 10% ने 4 दफा जो भरना है वो ये 40% है, बाकी ये जो एग्जामिनर ने कहा है इंक्रीज ऑफ 75% वही है, और अगर यहाँ 50% करता तो यहाँ 50% हो जाता, लेकिन ये 400% आ रहा है 4 दफा की वजह से, 4 टाइम्स की वजह से। ये हमने आज तक जो भी बड़ा क्वेश्चन किया अगर इससे डिफरेंट किया तो मुझे जरा बता दो, मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ। अगर हमने किसी क्वेश्चन में एक ऑल्टरनेटिव लेकर किया तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अगर कोई उसमें इसके अलावा कोई चीज़ डिस्कस हुई है तो मैं बता देता हूँ क्यों डिस्कस हुई, अगर मेरे क्वेश्चन बता दो तो मैं बता देता हूँ जी। देन आप जरा 14.2 पहले ढूंढा, 14.2 तक कोई पहुंचा? नहीं एक मिनट, और इसके अलावा था क्या वैसे हमारा कार्ड लिमिटेड इवेंट निकल वो बेटा उसने कहा होता है कि ओवर टाइम प्रीमियम 50% है, तो ओवर टाइम प्रीमियम का मतलब है कि 100 रुपये अगर पहले था तो 50% इजाफा हो जाएगा, तो 1.15 हो जाएगा। अब डेफिनेटली ये चीज़ें आपस में रिलेटेड नहीं है, या इसने ये नहीं कहा, हाँ यहाँ पे अगर आपने ये करना तो ये हो सकता है 11.15
11,200 जो है इसमें 0.75 है, इसमें 100% नहीं है, तो ये 75% का मतलब 0.75 है, तो 0.75 ने 4 times इंक्रीज होना ये है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। 1.75 अगर आप करेंगे इसे तो ये सिर्फ एक दफा जो 10% बढ़ना है, एक दफा जो 0.75% बढ़ना है सिर्फ उसका इफेक्ट आएगा। अगर आपने इस तरह वर्किंग करनी है तो ये वर्किंग रखा इस तरह होनी चाहिए। ये जो 75% है इसने 4 दफा इंक्रीज होना, ये 75% है 4 times इंक्रीज होना, तो ये 0.75 × 4 होना, तो सर में ये 3 times इंक्रीज है, ये इसका इफेक्ट ये है। तो अगर इकट्ठा करना है आपने तो ये फिर 4 times इंक्रीज है, 11,200 × 4 होना है। अगर डायरेक्टली इस फिगर तक आना इंटू थ्री के थ्री जो है अगर ये करेंगे तो ये फिगर आएगी 33,600। और अगर इसमें ये टोटल कैलकुलेट करना इसका मतलब 1 पहले भी था और अब 4 times इंक्रीज हो जाएगा, 1 time पहले बाकी 3 times फर्दर इंक्रीज होना है 75% × 4। कर सकते हैं, करके देखें, सेम आंसर आएगा, 400% करके देखें। वही तो मैं कह रहा हूं, इंटू 4 times का मतलब है 4 गुना, तो 4 दफा इंक्रीज आ रहा है, तो करके देखें 400% 11,200 आंसर आ जाएगा हमारा। जी ठीक है जी, प्लीज जी जरा कंडी पेन वो बताइएगा, कार्ट वाला पहले किस चैप्टर में था, ये जरा मेरे को बताइए, मटेरियल वाला नहीं, इन्वेंटरी वाला नहीं, ना मटेरियल में था ना इन्वेंटरी में था, यार जाने दो, वो सायर को दवा का नाम नहीं है, ये अकाउंटिंग एंट्रीज वाले चैप्टर में है यार, जनरल एंट्रीज वाले चैप्टर में, ये फिजिक्स के चैप्टर में भी हो सकता था, तो फिर उसमें से नहीं निकला इसके साथ। ये जो बी पार्ट था ना इसमें पहले ए में बता दें, लेजर से बन गया ना ये, क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट हुए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेटर पे है, ओपनिंग गिवन थे, ट्रांजैक्शंस गिवन थी, क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेटर पे आए हैं। इस चैलेंजिंग सवाल को किसी और दिन के लिए रख लेते हैं, पार्ट बी पे बड़ा एक मिनट आएगा। ये ना आपको 2 profits दिए हुए अब फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स के मुताबिक, तो इसमें एक रिकंसिलिएशन मांग रहा है, एक नोट पहले पढ़े, पहली बात तो ये कि हमारे जेन में ये आना चाहिए, आपने देखा होगा क्वेश्चन में स्टॉक्स डिफरेंट है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और नहीं मार्जिनल नहीं है असल में, ये वाली जरा बात जरा सही क्लियर कर दीजिएगा, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स रिकंसाइल नहीं होते, यही अल्लाह का शुक्र आपने बात कर दी है, मैं मेरे जेन से निकल गया था, भागते जरा जाएं और आपने ढूंढना है सवाल, जरा पहला चैप्टर इस बुक में था मार्जिनल, नहीं वो वॉल्यूम 1 में था, मार्जिनल अब्सॉर्प्शन वॉल्यूम 1 में है, जिनके पास है एक मिनट, पेज नंबर मैं बता दूं, इसको सही जरा कॉन्टेक्स्ट में बात ले जाइए, मार्जिनल अब्सॉर्प्शन के चैप्टर में नहीं नहीं एक मिनट जस्ट मिनट, जरा मार्जिनल अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन मुझे भूल रहा है, जरा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 था, मार्जिनल अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो एंड में चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला जो स्टेप लगाया हुआ,
इसका बट बुक में भी है शायद, कौन सा? आगे आगे आगे, हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम था यार, क्या नाम है? नहीं पूरा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के नाम से क्वेश्चन था, पेज नंबर 180 पेज नंबर 180 वॉल्यूम 1। इस जमाने में मेरा ख्याल है इधर कहीं लिखा हो शायद आपने, ये घर जाकर आप देखिएगा रजिस्टर में होगा, ये वैसे बात सुनने को याद आ जाएगा। ये वो इसमें हम रिकंसिलिएशन बना रहे थे अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल की, मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का स्टॉक भी का प्रॉफिट भी डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ स्टॉक्स। लेकिन स्टॉक्स में डिफरेंस होता है फिक्स कॉस्ट की वजह से। ये बड़ी लंबी लंबी बहसें हुई हैं जमाने में, तो जरा एक नजर बात हुई है तो रिवाइज कर लीजिएगा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स में फिक्स कॉस्ट होती है और मार्जिनल में नहीं होती, इतना तो आपको याद आ गया होगा। लेकिन रॉ मटेरियल का स्टॉक चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो चाहे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, उसमें फिक्स कॉस्ट का सवाल ही नहीं है। और रॉ मटेरियल स्टोर रूम में पड़ा होता है, तो रॉ मटेरियल पे अभी ना तो लेबर लगी है ना ओवरहेड्स लगे, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक इज मेजर्ड ऑन द सेम बेसिस आइदर इन मार्जिनल अब्जॉर्प्शन। ये सीमा इंटरप्राइज में भी शायद लिखा होगा, ये कहीं ढूंढने दो तीन जगह जहां जहां आपको हेल्प हो जाएगा। नहीं ये क्वेश्चन में देखेंगे वॉल्यूम वन, अच्छा ये भी और बारिश है एसी में से गिर, कोई नहीं अच्छा इसी बहाने ना लेंगे। अगर है तो सीमा इंटरप्राइजेस का जो क्वेश्चन है जिस पेज पे उसके पेज के नीचे आधी जगह थी वहां पे इनके पास लिखा था, इनके पास है देख के बता दें मैं गलत नहीं कर रहा। स्टॉक्स मेजरमेंट, स्टॉक मेजरमेंट्स, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं आएगा व्हाइल यू आर रिकंसाइलिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक भी है और फिनिश गुड्स का स्टॉक भी है। वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक में भी फिक्स कॉस्ट होती है लेकिन प्रोपोर्शनल होती है, और फिनिश गुड्स में तो होती है 100%। तो ये वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक आएगा अगर अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल को आपने रिकनसाइल करना, रॉ मटेरियल का नहीं आएगा। ये एक नजर बाद में देखिएगा, अब इस वक्त अगर बुक नहीं है तो इतना मेरे लिए मुश्किल होता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी ने देखी मेरी बात, मैंने 145 पेज पे लिखा होगा। ये जो इस वक्त रिकंसिलिएशन है ना, ये किन प्रॉफिट्स के अंदर आ रहे हैं इसको वापस? ये फैक्ट्री का एक प्रॉफिट निकला हुआ है और एक हेड ऑफिस का निकला हुआ, ये हुआ है। देखो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन ही एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है। अब ये जो हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का और फैक्ट्री का जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, जो रॉ मटेरियल के स्टॉक्स हैं फैक्ट्री के और हेड ऑफिस के, उनमें फर्क मेथड ऑफ वैल्यूएशन की वजह से होगा, फाइफो वेटेड एवरेज। ये मार्जिनल अब्जॉर्प्शन नहीं है, दूसरा लिखा हुआ है कि फैक्ट्री के वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड स्टॉक और हेड ऑफिस के वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड स्टॉक में डिफरेंस की वजह फैक्ट्री में मार्जिनल कॉस्टिंग और हेड ऑफिस में अकॉर्डिंग टू ISO वगैरह स्टैंडर्ड्स के बेस पे फिक्स कॉस्ट हो सकती है। ये किसको किससे रिकंसाइल करने की बात हुई थी? हेड ऑफिस का प्रॉफिट और फैक्ट्री का प्रॉफिट, तो इसको कहीं उधर ना लेके जाइएगा। उधर अगर जाएंगे तो सिर्फ वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स का स्टॉक रिकंसिलेशन में होगा अगर वर्क इन प्रोसेस है तो। रॉ मटेरियल उधर नहीं होगा क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में रॉ मटेरियल का स्टॉक एक ही तरह मेजर होता है। हाँ अगर उधर फाइफ होगा तो उधर भी फाइफ होगा, वो मेथड सेम है, लेकिन यहाँ फैक्ट्री में अकाउंटिंग लगा हो रही है, हेड ऑफिस में लगा हो रही है, तो इसके प्रॉफिट्स में भी फर्क स्टॉक्स की वजह से है। लेकिन यहाँ फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक भी होगा, फिनिश गुड्स का भी और वर्क इन प्रोसेस का, बस ये असल में चीज़ है। बाकी तो उसका प्रिंसिपल वही है, जिस तरीके से आप प्रॉफिट्स में प्लस माइनस करते हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही है। ये जिन्होंने देखा होगा वो सेम है। ओपनिंग स्टॉक का कौन सा रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट के साथ? इनवर्स है। और क्लोजिंग का, कोई भी क्लोजिंग है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कोई भी ओपनिंग है तो इनवर्स। अगर आपने किसी स्टॉक का बाहर निकालना तो वो डिपेंड करेगा कि ओपनिंग को निकालना है या क्लोजिंग को निकालना है, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स पे फैक्ट आ जाएगा। तो ये जो रिकंसिलिएशन है ये इशू नहीं है, रिकंसिलिएशन तो सेम प्रिंसिपल पे बनी हुई है। किसी ने बनाई है उसे? वो इशू नहीं है। इशू क्या है, किस में रिकंसिलिएशन? मैंने कौन सी रिकंसिलिएशन दिखाई है? मार्जिनल अब्जॉर्प्शन की। ये रिकंसिलिएशन किसमें? और फैक्ट्री के स्टॉक्स और अगर हेड ऑफिस के स्टॉक्स डिफरेंटली मेजर हुए हैं तो ये सारे स्टॉक्स रिकंसिलिएशन में आ रहे हैं, इंक्लूडिंग कौन सा भी?
रॉ मटेरियल भी आ रहा है, आपने अगर देखा होगा तो रॉ मटेरियल भी आ रहा है, लेकिन जो मैंने इस वक्त आपको बात याद करवाने की कोशिश की है वो ये है कि मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं होगा, वो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन है ये फैक्ट्री और हेड ऑफिस। बाकी तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जिस भी प्रॉफिट से शुरू कर लेंगे उसके जो स्टॉक्स होंगे वो रिवर्स करेंगे, और जिस प्रॉफिट तक पहुंचना है उसके प्रॉफिट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे, एड ना छोड़ें, जिस प्रॉफिट से शुरू करेंगे उसके स्टॉक्स निकाल देंगे, ओपनिंग है या क्लोजिंग है वो निकाल देंगे, और जिस प्रॉफिट तक पहुंचना है उसके इनकॉर्पोरेट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के ऐड होना है लेस होना। ओपनिंग अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो लेस होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और क्लोजिंग अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल इसका साइंस ना बनाए, वो इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन रिकंसिलिएशन है बिटवीन फैक्ट्री फैक्ट्री प्रॉफिट एंड हेड ऑफिस, और उसमें स्टॉक्स का डिफरेंस है तो बस रिकंसिलिएशन है। बाकी सब कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई फर्दर डिस्कशन की जरूरत पड़ी तो फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा याद करवा लीजिए। नहीं नहीं उसने फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करनी है तो फिर उसने सारे स्टॉक्स भी उठाने हैं, वो तो सिर्फ डबल एंट्री के एंगल से बात हुई। जब फाइनेंशियल अकाउंटेंट सारा बिजनेस की अकाउंटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो हेड फैक्ट्री वालों से भी तो उनका रिकॉर्ड मंगवा लेगा, तो रिकॉर्ड तो वो भी मंगवाएगा यार, क्या सेल आएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी तो वहाँ स्टॉक्स की जरूरत पड़ेगी। वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसने बना लेंगे, लेकिन रिकॉर्ड साथ साथ कौन रखेगा, हेड ऑफिस वाला नहीं रखेगा, हेड ऑफिस वाला बाद में मंगवा लेगा। तो ठीक है जी, प्लीज मेरे ख्याल फर्दर अब इस वक्त आपको डिस्टर्ब ना कह रहा है, लेकिन अब वो पुराने का सवाल हो चुके हैं और आपके पास दो दिन है तो मैं दो तीन क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ। नहीं मतलब ये भी अब वेडनेसडे नहीं, वीकेंड तक रखें, नहीं अगर वेडनेसडे तक टाइम ना मिला मैं ये कह रहा हूँ तो दो चार और क्वेश्चन रख लें जो, और इंशाल्लाह जब तक बात खत्म होती है तो वहां तक पहुंचा लें। जी नहीं इस वक्त आप किसी एक सीटिंग में, मेरी तो रिक्वेस्ट होगी किसी एक सीटिंग में बैठ कर इन मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं इस वक्त सॉल्व करने को नहीं कह रहा, रिवाइज करने को कह रहा हूँ, फिगर्स ढूंढने को कह रहा हूँ, कैसे हैं क्यों आई इस चीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल अगर पहले वो नहीं हुआ तो पहले वही करें, अगर हो गया है किसी का। नहीं कल परसों का दिन मेरा ख्याल अब आपके पास है, अगर आप इसे यूटिलाइज करना चाहें तो थोड़ी देर भी बंद करते हैं, अब बहुत तेज हो गया। स्टैंडर्ड्स का बाइंड करना अलाउड है ना कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है, रिस्क ना ही ले यार। नहीं सर ये आपकी मर्जी है, सवाल जो मर्जी करें रवीन में, रवीन में जो आपका दिल करे सवाल करें। ये सबसे पहले सर जी कैंडिडेट नोट कीजिएगा, पेज नंबर 324। अगर मैं क्वेश्चन नंबर या नाम ना बताऊं तो उस पेज पे एक ही सवाल होगा। पेज नंबर रिपीट कर दें 327। पेज नंबर 332 से 332 से, ये बीच में छोटे छोटे दो तीन सिनेरियोज है रेलिवेंट कॉस्टिंग के, मेक बाय डिसीजंस के, शायद बीच में कोई सीवीपी छोटा सा आ जाए। कितने हो गए 335 या 336? ये 25-30 हो गए, मैं पेजेस गिन आगे करता जा रहा हूँ, 500 हो जाने। पेज नंबर 367
पेज में 391 कितने हो गए ये? नहीं पेजेस बताइएगा उसमें, जब मैंने एक लिस्ट बनाई वो नहीं, वो बोले जब मैंने पेज नंबर से रिपीट कर रहे हैं, 324 327 320 आगे 367 इसमें ना ये सवाल चार है मेन, 324 327 ये जो बीच में ये सीवीपी रेडीमेड कॉस्टिंग छोटे 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 सिनेरियोज हैं वो देख लें, मतलब मेरे साथ साथ इनके लिए टाइम निकालते हैं। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिया आपने? ये बड़ा रिवीजन ही करें आप भाई, रिवीजन अपनी शुरू करें। बाकी बेटा अभी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं तीन चार बड़े बड़े और सवाल हो जाए नेक्स्ट वीकेंड। ऑनलाइन सर साधनी कोई क्वेश्चन है? ये अपनी तैयारी करें मॉक के लिए, फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे टुडे। ये सब रैंडम क्वेश्चन ही दे रहा हूँ सारे टॉपिक्स। ये अपनी प्रोडक्शन में कमी करेगा, प्रोडक्शन में नहीं कमी करेगा, प्रोडक्शन तो इतनी रहेगी, मतलब 75 यहाँ से कर लेगा और 2500 करीब 1 लाख हो जाएगी, इसमें कैपेसिटी कैसे? मैं चला साथ साथ बता देता हूँ, कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है? प्रोडक्शन तो 1 लाख ही है ना, 80% पे हो रहा है ना, इफेक्टिव रेट ये सब कुछ बना के तो 80% तक ही है ना, अगर ऐसा बना भी देंगे तब भी मैक्सिमम 100 तक ही जा सकते हैं ना। 80% है 75,000 नहीं, हम 80% प्रोडक्शन, देखिए ये सिर्फ रॉ मटेरियल बनाने की कैपेसिटी दी गई है ना, हम और भी तो फिनिश गुड्स बना रहे हैं ना, और भी मतलब प्रोडक्शन, ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट एंगल से बना रहे हैं, ये रॉ मटेरियल तो नहीं ना बना के बेची जा रहे, हम कुछ रॉ मटेरियल बना के कुछ फिनिश गुड्स बनाते हैं, एक चीज़ ऐसी है जो इसमें यूज हो सकती है, तो ये तो एक मटेरियल है।